Yeah. We head out for business. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोशन गुज्जर पे। आपका भाई कौन सी हॉन्टेड लोकेशन पे आया है, टाइटल और थंबनेल लेके पता लगा चुके होंगे कि आज मैं कौन सी जगह पे आया हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, सीधा निकलते हैं लोकेशन की तरफ। यहाँ से कुछ दूरी पे गाइस बताया जाता है कि गाइस आपको जिस मैं ख़तरनाक लोकेशन की तरफ लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे बताया जाता है कि एक ट्रेन एक्सीडेंट में काफ़ी यात्रियों की मौत हुई थी। गाइस कुत्ते भौंकने की आवाज़ आना स्टार्ट हो चुकी है और मैं रात के कौन से टाइम पे आया हूँ एग्जैक्ट टाइम बता देता हूँ आपको। रात के 12 बजे फिक्स आया हूँ यहाँ पे। गाइस यार आना तो नहीं चाहता था, बट आप लोगों ने डिमांड की थी कि भाई एक बार आ और लोकेशन विजिट करके जा, इसलिए गाइस आपका भाई लोकेशन की तरफ जा रहा है। यहाँ से कुछ दूरी पे एक लोकेशन है। ओ भाई ये क्यों होने लग गया आने से पहले। तो गाइस यार इस लोकेशन पे मैं आना नहीं चाहता था और काफ़ी यार डर भी लग रहा है, सच बता रहा हूँ। अकेला बंदा आया हूँ रात के 12 बजे कम से कम लोकेशन विजिट करने। इस लोकेशन पे बताया जाता है कि एक सबसे दर्दनाक कहानी हुई है। यहाँ पे दो ट्रेनों की भिड़ंत हुई थी और उसके कारण काफ़ी पैसेंजर मारे गए थे। टीटी की आत्मा भी यहीं भटकती है जो। तो गाइस बताया जाता है कि यहाँ पे यात्री और टीटी की मौत हुई थी और गाइस टीटी की आत्मा आज भी यात्रियों से टिकटें मांगती है। यहाँ पे जो बिना टिकट बैठता है उन मुर्दों को मारती है उसकी आत्मा। आज भी टीटी की आत्मा टिकटें मांगती है यहाँ पे। सामने देख सकते हो आप रेलवे स्टेशन है और मैं जा रहा हूँ यार लोकेशन की तरफ। काफ़ी खतरनाक एरिया है गाइज, फिर भी आप लोगों के लिए रिस्क लेके जाना पड़ रहा है यार। अगर गाइज वीडियो चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब मार देना। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइज यहाँ पर एक टनल है, हॉन्टेड टनल, जिस टनल पे बताया जाता है कि उनकी मौतें हुई थी और नीचे से व्हीकल वगैरह नहीं गुजरते। आगे का आपको मैं रास्ता थोड़ा दिखा देता हूँ, क्या कुछ एरिया है, कैसा टनल है नीचे पूरा। बस गाइज आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए चाहिए यार, ये देख सकते हो गाइज। आगे जिस लोकेशन की तरफ जा रहा हूँ वो लोकेशन बड़ी ख़तरनाक है यार। गाइज मैं ये नहीं बोल रहा कि वो आत्माएं किसी को नुकसान पहुंचाती है, नुकसान किसी को नहीं पहुंचाती है, बट हाँ इस चीज़ से मैं श्योर हूँ कि उनकी आत्माएं आज भी यहीं पे भटक रही है। काफ़ी लोगों ने बताया है रात के 12 बजे बाद में यहाँ पे कोई आता नहीं है और यहाँ पे लगती है मुर्दों की क्लास। गाइज सच बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। ये देख सकते हो आप यार अकेला बंदा आया हूँ, डर तो यार लगेगा गाइज, आप सभी को पता है इस चीज़ का। गाइज आपके सामने एक हॉन्टेड सोसाइटी है जो पूरी बंद पड़ी है, कोई भी नहीं रहता यहाँ पे, पूरी बंद पड़ी है गाइज ये सोसाइटी पूरी की पूरी। बताया जाता है कि जब से यहाँ पे ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है इस जगह पे, उसके बाद में सोसाइटी को बंद कर दिया गया।
आप कमरे में लाइट देख सकते हो, कोई लाइट वाइट कुछ नहीं है सोसाइटी के अंदर। कौन है? कोई है यार, कोई है यहाँ पे कसम से। मेरे को कौन है? मेरे को ऐसा लगा कोई मेरे को फॉलो कर रहा है। आवाज़ें आप कैप्चर कर सकते हो यार? वहाँ से, ओ भाई ओ भाई, वहाँ से कोई आवाज़ें आई थी जस्ट यहाँ से। मैंने बताया था ना सोसाइटी के सामने मौत हुई थी, तब से सोसाइटी पूरी बंद है, यहाँ से आवाज़ें आती है डरावनी। अब यार मैं अकेला बंदा हूँ, डर तो मेरे को बहुत लग रहा है। आवाज़ें कहाँ से आई है? इसी चीज़ को मैं नोटिस करना चाह रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आ गई। ओ भाई 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 भाई, ये क्या जा रहा है गाइस, ये क्या जा रहा है आप देख सकते हो। यार गाइस काफी डर लग रहा है कसम से यार, आज तो गलत आ गया यार मैं इस जगह पे। मेरे को नहीं पता था मेरे साथ ऐसा होने वाला है। आवाज़ें आना स्टार्ट हो गई थी गाइस, क्या पता अब वो किस चीज़ की आवाज़ थी, बट आवाज़ ज़रूर आई थी और ऐसा लगा कि मेरे को कोई फॉलो कर रहा है, इसलिए मैं तेज़ गति से वहाँ से दौड़ा। आगे चलते हैं, आगे चल के यार यहाँ का कोई रास्ता देखते हैं तक यहाँ से। ये देख सकते हो गाइस ट्रेन की आने की आवाज़ें आ रही है। गाइस यार वो जगह ऐसी थी जहाँ पे मेरे को डर लगा। ये देखो ट्रेन आ रही है गाइस, ट्रेन आपको दिखाते हैं कि क्या वो ट्रेन कितनी स्पीड से निकलती है और इस जगह से ट्रेन जाती है या फिर नहीं जाती है। यार गाइस कसम से देख सकते हो आप, बहुत ज़्यादा आगे आ चुका हूँ मैं। ये आगे एक जंगल है इधर, ये देख सकते हो गाइस, थोड़ी लाइट तेज करके दिखा देता हूँ। ये मेरे सामने जो जंगल है, बहुत सारे पेड़ हैं यहाँ पे।